तू डाल डाल, मैं पात पात वाली कहावत इन दिनों प्रदेश के निजी विद्यालयों पर खरी उतर रही है। सरकार को ठेंगा दिखाते हुए निजी स्कूल अभिभावकों से खुलेआम लूट कर रहे हैं। फीस के अलावा भी कई तरीकों से पैसे वसूले जा रहे हैं। निजी स्कूल कमीशन खोरी का अड्डा बन रहे हैं। जरा ये खास रिपोर्ट देखिए। लंबे चौड़े नियम कायदों और सरकारी दावों के बावजूद प्रदेश में निजी स्कूल संचालक नियंत्रण से बाहर ही नजर आ रहे हैं। ज्यादातर स्कूलों में 1 अप्रैल यानी नए शिक्षण सत्र के साथ ही अभिभावकों की जेबें फिर खाली कराने की तैयारी कर ली गई है। फीस तो मनमर्जी से बढ़ाई ही गई है, किताबों और ड्रेसों के जरिए भी जमकर वसूली करने का खाका बन चुका है। स्कूलों की मनमानी से अभिभावक खासे परेशान है, लेकिन सरकार मौन है। फीस वृद्धि पर लागत तो दूर, मुनाफाखोरी तक पर सरकार लगाम नहीं कस पा रही है। इस मनमानी पर रोक के लिए साल 2013 में राजस्थान स्कूल्स रेगुलेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ फीस एक्ट 2013 लागू हुआ था। न्यायालय के निर्देश पर बने इस एक्ट के तहत राज्य स्तरीय फीस निर्धारण समिति भी बन चुकी है। हालांकि एक्ट के खिलाफ स्कूल संचालक अदालत चले गए, जहां मामला चल रहा है। फिलहाल स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश हैं, लेकिन मनमानी पर लगाम का जिम्मा शिक्षा विभाग का है। अभिभावकों की जेब खाली तो हो ही रही है। आम आदमी के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराना किसी सपने से कम नहीं है। तो इसी सपने की आड़ लेकर निजी स्कूल कमीशन खोरी में लगे हैं। चलिए बताते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर 15 से 20 हजार वसूले जा रहे हैं। हर साल 2 से 5 हजार फीस बढ़ा दी जाती है। हर अभिभावक पर अपने हर एक बच्चे का 2 से 5 हजार रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। यही नहीं, एडमिशन फॉर्म भी महंगा कर दिया गया। किताबें तय स्थल से मनमाने दाम पर खरीदने की बाध्यता कर दी जाती है और अतिरिक्त दाम वसूले जाते हैं। यूनिफॉर्म की संख्या बढ़ा दी गई, इनकी भी मनमानी वसूली की जाती है। साल भर पिकनिक, उत्सव, खेल सहित कल्चर और अन्य गतिविधियों का शुल्क लगाया जाता है। दरअसल शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ कई छात्र संगठन लंबे समय से आवाज भी उठा रहे हैं। उनका मानना है, अगर फीस पर जल्द ही लगाम नहीं लगाई गई तो देश दो वर्गों में बंट जाएगा। और किसी भी हालत में इसकी बिक्री करना, इससे धन कमाना, ये दुर्भाग्यजनक है। और सीधा सीधा मानना विद्यार्थी परिषद का यही है, शिक्षा का व्यापारीकरण का विरोध विद्यार्थी परिषद ने हमेशा किया है, आगे भी करेंगे। राजस्थान में भी जो धड़ाधड़ खुले निजी विश्वविद्यालय, ये शिक्षा का बड़ा व्यापारीकरण राजस्थान में भी हुआ, पूरे भारत में भी हुआ है। इन शिक्षा के मंदिरों को विक्रय की वस्तु बना दिया है राजस्थान में भी। इनका हम विरोध भी करते हैं, आंदोलन भी इस पर किया है, आगे भी करेंगे। मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन दोनों में सरकार को पूरा ध्यान देते हुए, वो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, शिक्षा की जो फीस है वो जो इतनी ज़्यादा हो गई, जिसके कारण से भारत एक दो तबके में बट गया है, वो एक दुर्भाग्यजनक है। यही नहीं, भारी भरकम किताबों का बोझ एक और जहां मासूम पर भारी पड़ रहा है, वहीं अभिभावकों की जेब भी हल्की कर रहा है। कमीशन खोरी के चलते हर स्कूल में अलग अलग लेखकों की किताबों का ज्ञान बालकों के दिमाग में ठूंसा जा रहा है। वहीं ज्यादातर स्कूलों ने अपने स्तर पर अलग पब्लिशर ही तय कर रखे हैं, जबकि एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत कम दाम पर मिल रही है। एनसीईआरटी का पूरा सेट 1000 से 1200 रुपए तक मिल रहा है, जबकि स्कूलों में ये सेट 6 से 8 हजार रुपए तक पड़ रहा है। ये सही है कि आज भी निजी विद्यालय लूट रहे हैं। अब उन्होंने अपनी लूट के तरीके बदले हैं। पेरेंट्स पहले लूट रहा था, आज लूट रहा है, आगे भविष्य में क्या होगा ये सोचने वाला विषय है। लेकिन पहले बुक्स का एक आराम था, आज आपको बुक्स विद्यालयों में खरीदनी पड़ती हैं, वहाँ पर उनके काउंटर बना दिए गए हैं। आपको शूज कौन सी कंपनी के लेने हैं उनके ब्रांड तय कर दिए गए हैं। आपको सॉक्स कौन सी कंपनी के लेने हैं उनके कंपनी तय कर दी गई है। आपको ड्रेस कहाँ से लेना है, क्यों लेना है। साथ ही अपन अक्सर कपड़ा खरीदते हैं, उसको 5 साल तक पहनते हैं, 7 साल तक पहनते हैं, लेकिन निजी विद्यालयों में हर वर्ष प्रतिवर्ष ड्रेस बदल दिया जाता। इसके पीछे उनकी मनसा कहीं भी ये नहीं रहती कि हमें कोई लुकआउट चेंज करना है। उनकी मनसा ये रहती है कि अपन पेरेंट्स से किस तरह मुनाफा लें। शिक्षा माफियाओं के जकड़ में शिक्षा तंत्र इस कदर आ चुका है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है।
हर माँ बाप का सपना होता है उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उसके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, मगर शिक्षा माफियाओं की लिप्सा के तले ये सपने धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है, प्रदेश में शिक्षा का व्यापारीकरण चरम पर है। कभी सेवा का सर्वोत्तम माध्यम रही शिक्षा आज व्यापार का माध्यम बन गई है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती शिक्षा के इस मकर जाल को मुक्त कराकर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसी शिक्षा नीति लाई जाए जिससे आम आदमी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया हो सके? कैमरामैन राम निवास गुर्जर के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।